अंधेरों को बुरा कहने से अपने हिस्से का दिया दावा देने जा रहे हैं, तो यहाँ टाइम्स पर आकर अपना नगमा पेश करें। जी बोलो कैसे सुनना सुधार सिंह सिन्हा सीईओ मुसर अहमद वानी सुनला कैसा देव सिंह माता जूरी मेंबर है तेरा ग्रुप सिद्धियासन कलिंग सुंदुन सुंदुन जनक तोला मोहम्मद इब्राहिम सुंदुन जनक तोला माता खुद मौका पहाड़ी करके दीपन से जनाब पंचोपाध्याय साहब हमारे बीच में गेस्ट ऑफ ऑनर जनाब मुशाक साहब चीफ एजुकेशन ऑफिसर कारगिल। मैं एक चीज़ आपको बताऊं
ये स्टेज मिलना मुश्किल है। हमारे बच्चों को स्टेज जो ये प्रोवाइड किया जाता है, ये नहीं कि हमारे कजन के जो बच्चे अपने टैलेंट का किस दिशा में बोल जा रहा है, उन चीजों को दिखाने के एक मौका दिया है। हम सब ने इनके म्यूजिक सुने, हम इनके पेंटिंग को देखेंगे, क्योंकि यही एक एज होते हैं, टेंडर एज होते हैं, जहां आपके टैलेंट को आगे किस तरह जो थर्ड प्राइज हासिल कर चुका है वो हमारे सीईओ साहब से अपना सर्टिफिकेट हासिल करेंगे। सेकंड पोजीशन 5000 रुपए का इनाम मिल रहा है। मुझे हमारे जैनब भी एसवीपी कारगिल से जो 5000 रुपए नगद इनाम को दिया जाएगा, सबसे ये सर्टिफिकेट हासिल करेंगे। जिनको 2500 रुपया इनाम शाही फातिमा एचएस जी। हेलो, मेरा नाम है समीन फातिमा और मैं 9th क्लास में पढ़ती हूँ और सुरवेली में पढ़ती हूँ। और ये मतलब कल्चरल प्रोग्राम जो है वो 3 दिनों से चल रहा है और यहाँ पर इसमें हिस्सा लेके मुझे बहुत अच्छा लगा और ऐसे भी ऐसे कल्चरल होने चाहिए अगले फ्यूचर में। बस थैंक यू। शरद बशीर है, मैं सुरवेली स्कूल की तरफ से यहाँ आया हूँ, मैं 9th क्लास में पढ़ता हूँ। यहाँ हमें आके बहुत अच्छा लगा क्योंकि ऐसे प्रोग्राम्स कारगिल में होने चाहिए हमेशा। हमें अपना टैलेंट छुपा के नहीं रखना चाहिए, हमें अपना टैलेंट उबार के निकालना पड़ता है यहाँ पे, और मैं खुद ने भी यहाँ पार्टिसिपेट किया है, हमें बहुत अच्छा लगा है। मेरा नाम शाहीन फातिमा है और यहाँ पे लद्दाख एकेडमी में एक सिंगिंग कंपटीशन चल रहा है और साथ में ड्राइंग कंपटीशन भी चल रहा है और इसमें हमें पार्टिसिपेट करना चाहिए जिससे हमें बहुत कॉन्फिडेंस मिलता है और मैंने भी मतलब पार्टिसिपेट किया है। तो इससे कितना फ़ायदा हुआ आपका? इससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है और हर किसी को इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। आपके चैनल के माध्यम से सभी मीडिया फैटिनरी को कल्चरल एकेडमी कारगिल की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप अपने वक्त में से वक्त निकाल पर यहां पर आए और इस प्रोग्राम को आपने कवर किया। आज आपने देखा कि आज जो है ऑन स्पॉट म्यूज़िक और पेंटिंग कंपटीशन है, ये इसका एक दूसरा है जो हमारा एडिशन था। कल एक चिकन में हमने किया, तो इंशाल्लाह हम धीरे धीरे करके सभी सब डिवीजन में कम्प्लीट करने की हमारी यही उम्मीद है। इनका मेन इस तरह का प्रोग्राम करने का हमारा मकसद है कि बच्चों में जो हिडन टैलेंट है तो डिस्प्ले और टैलेंट के थ्रू उनकी जो टैलेंट है उनको निखारें, उनको लोग पहचानें और अपने आप पहचाने। तो इसमें आज हमने जो पेंटिंग कंपटीशन थे वो फर्स्ट सेकंड थर्ड था पार्टिसिपेट, उसमें 44 बच्चे थे, साथ ही साथ म्यूज़िक में भी उतने भी बच्चे थे। तो उसमें एक ये मैसेज आता है सोसाइटी में भी या बच्चों में भी और जो बच्चों की जो अपनी स्कूल लेवल पर कि अपना जो टैलेंट है उनको निखारने के, उनको प्रेजेंट करने के लिए उनको प्लेटफॉर्म मिल रहा है। तो एकेडमी का ये एक एम एंड ऑब्जेक्टिव है कि बच्चों को प्लेटफॉर्म दें, क्योंकि लाइफ में आपको पता है कि एजुकेशन के साथ साथ जो ऐसे को क्रिएटिव एक्टिविटीज़ होते हैं ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पढ़ाई ही अकेला एजुकेशन नहीं है, साथ में जो भी हमारे टैलेंट हो, क्या किसी को स्कल्पचर का हो, किसी को पेंटिंग का हो, म्यूज़िक का हो, या किसी को कुछ लिखने का हो, या किसी को स्पोर्ट्स में हो, तो इन सबको निखारने का एक गवर्नमेंट का स्कीम से ज़रिया है। और आपके थ्रू हमें बताना चाहता हूँ कि आने वाले दौर में, आने वाली इस गर्मी में कल्चर एकेडमी की तरफ से यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की डायरेक्शन पर बहुत से इवेंट होने वाले हैं जो हमारे कल्चर, हमारे परंपरा, हमारे रियावतों को नॉरिश करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बहुत से एक्टिविटीज़ हमारे पाइपलाइन में हैं, तो हम स्टेप बाई स्टेप टर्न वाइज इन सबको कवर कर